गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए एग्जाम के दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है ना क्वेश्चन, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस पेपर को। ठीक है, मैं प्रैक्टिस पेपर ऑलरेडी आप लोगों को सेंड कर चुका हूँ, है ना, लेकिन उसका सॉल्यूशंस कैसे हो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, चूज द करेक्ट ऑप्शंस, है ना, चूज द करेक्ट ऑप्शंस दिया है। इसमें से तीन ऑप्शंस दिया गया है, जिसमें से एक सही है उसी को चूज करके आप लोगों को लिखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट दिया है सक्सेसर ऑफ 99 इज ब्लैंक, है ना, सक्सेसर ऑफ 99। सक्सेसर क्या होता है जी? सक्सेसर मींस क्या होता है? जस्ट आफ्टर नंबर, एंड प्रेडिसेसर मींस जस्ट बिफोर नंबर। ठीक है, तो सक्सेसर का मतलब जस्ट आफ्टर नंबर, तो 99 के आफ्टर में क्या आता है? 100, है ना जी, तो इसी को पूछ रहा है। सक्सेसर ऑफ 99 इज कौन सा होगा? 99 है ऑप्शन, बी ऑप्शन 100, सी ऑप्शन है 98, तो सही ऑप्शन क्या होगा जी? 100। ठीक है, सेकंड देखिए, चूज करेक्ट न्यूमेरल्स फॉर 72,06,310, है ना, 72,06,310 का हमें करेक्ट न्यूमेरल्स को चूज करना है। ठीक है, तो 72 लाख से बोल रहा है, देखिए 72 लाख इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, लाख 6000, यहाँ 6000 और क्या बोल रहा है? 310, देखिए इसमें है 310, तो सही ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है थर्ड, नियरेस्ट टेंस ऑफ 62 इज, 62 का नियरेस्ट टेंस क्या होगा? देखिए, जब हमको टेंस फाइंड आउट करना है, नियरेस्ट टेंस फाइंड आउट करना है, तो हमें वंस कॉलम को देखना है ना। वंस कॉलम में देखिए 62, है ना, यहाँ पर 62 दिया हुआ है ना, 62। सबसे पहले तो ये जानिए 62 किन किन टेंस के बीच में आता है। ठीक है, तो 60 और 70 के बीच में आता है 62, है ना। अब वंस कॉलम को देखिए, वंस कॉलम में क्या है? 2 है, 2 है मीन्स जब 0, 1, 2, 3 और 4 होता है तो राउंड डाउन में होता आता है ना, राउंड डाउन। और जब 5, 6, 7, 8, 9 होता है तो राउंड अप में जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर वंस कॉलम में 2 है, 2 है मीन्स राउंड डाउन में आएगा, मतलब इसका नियरेस्ट टेंस 60 होगा, है ना, तो नियरेस्ट टेंस कितना होगा जी इसका? 60 सही ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फोर नंबर, नियरेस्ट 100 ऑफ 709 इज ब्लैंक, है ना, 709 का नियरेस्ट 100। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन है, देखिए इसमें टेंस पूछा था, इसमें 100 पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले 709 किन किन 100 के बीच में आता है? ठीक है, तो 700 के बीच में आएगा और 800 के बीच में आएगा। ठीक है, अब देखिए जब 100 बोलेगा तो आपको टेंस कॉलम को देखना है। यहाँ पर देखिए टेंस कॉलम में क्या है? 0 है। ठीक है, टेंस कॉलम में क्या है जी? 0, तो 0, 1, 2, 3, 4 जब आता है तो राउंड डाउन में आता है ना, और जब 5, 6, 7, 8, 9 जाता है तो वो राउंड अप में। ठीक है, तो इसलिए ये कहाँ जाएगा जी? राउंड डाउन में। इसका नियर 709 का नियरेस्ट 100 होगा, 700। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट 6-डिजिट नंबर, विच इज द लार्जेस्ट 6-डिजिट नंबर बोल रहा है, मतलब 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? ठीक है, तो सबसे पहले ये कंफर्म कर लीजिए कौन कौन सा 6 डिजिट का है। देखिए ये 6 डिजिट का है, ये भी 6 डिजिट का है, लेकिन ये 4 डिजिट का है, तो ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब इन दोनों में से देखिए, है ना, 6 डिजिट का देखिए, यहाँ फ्रंट में 0 है, तो जब 0 को हम जब सामने में रहता है उसको कोई वैल्यू नहीं होता है ना जी, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा ये वाला, है ना, 99,09,999। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है 6, द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन कितना दिया हुआ है? 6,98,745 इज, है ना, देखिए 9 का प्लेस वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 9 का प्लेस वैल्यू कितना होगा? ठीक है, तो देखिए
सबसे पहले देखिए ये नाइन कौन से कॉलम में है, 1, 10, 100, 1000, 10,000 है ना जी, कौन से कॉलम में है, 10,000 कॉलम में है नाइन, है ना। तो नाइन इंटू क्या कर देंगे, 10,000, ठीक है, नाइन इंटू 10,000 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90,000, कितना आ जाएगा जी, 90,000। तो इस तरह से नाइन का प्लेस वैल्यू कितना होगा, 90,000। देखिए कौन से ऑप्शन में दिया है, 90,000 बी ऑप्शन, है ना, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, द प्लेस वैल्यू ऑफ जीरो इज ऑलवेज, जीरो का प्लेस वैल्यू ऑलवेज हमेशा कितना होता है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है 1, बी में दिया है 0 एंड सी में दिया हुआ है 2, ठीक है। तो देखिए जीरो का प्लेस वैल्यू हमेशा जीरो ही होता है, ठीक है। सपोज यहाँ पर 205 लिखा हूँ और यहाँ पर जीरो का प्लेस वैल्यू कितना होगा, टेंस कॉलम में जरूर है जीरो, जीरो इंटू 10 करेंगे तो कितना होगा, जीरो ही होगा, है ना। तो हमेशा क्या होता है, ऑलवेज जीरो, ठीक है। आगे देखिए, द लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर, द लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर, है ना, दो डिजिट नंबर का सबसे लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर जस्ट बिफोर द स्मॉलेस्ट, ठीक है, जो दो डिजिट का जो लार्जेस्ट नंबर है किसके बिफोर में आता है ना जी। यहाँ ऑप्शन दिया है 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर और 4 डिजिट नंबर, है ना, बिफोर द स्मॉलेस्ट, कौन से स्मॉलेस्ट नंबर के बिफोर में आता है। तो देखिए 2 डिजिट दिया है, 3 डिजिट दिया है और 4 डिजिट, है ना। तो देखिए लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है, इसको पहले जान लीजिए, 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर होता है 99 इज अ 2 डिजिट लार्जेस्ट नंबर। तो 99 किसके बिफोर में आता है जी, किसके बिफोर में आता है, 100 के, ठीक है। और 100 क्या है, 100 इज अ 1, 2, 3 डिजिट का क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 डिजिट इस नंबर, है ना। अगला है, द मनी स्पेंड ऑन परचेज इज कॉल्ड, जब हम किसी चीज को परचेज करते हैं, खरीदते हैं और पैसे देते हैं उसके बदले में, है ना जी, तो वो क्या कहलाता है, खरीदते हैं किसी चीज को वो क्या कहलाता है, फर्स्ट ऑप्शन कॉस्ट प्राइस, सेकंड सेलिंग प्राइस, थर्ड है प्रॉफिट, है ना। तो क्या कहलाता है, कॉस्ट प्राइस, जब किसी चीज को हम खरीदते हैं, है ना, ठीक है, तो वो क्या, उसके बदले में हम पैसा देते हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारा कॉस्ट प्राइस। अगला क्वेश्चन है, एसेंडिंग ऑर्डर स्टार्ट ऑलवेज फ्रॉम द, एसेंडिंग ऑर्डर हमेशा स्टार्ट होता है कैसे, कहाँ से स्टार्ट होता है जी, बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, नन ऑफ दीज, ठीक है। एसेंडिंग ऑर्डर, विच इज एसेंडिंग ऑर्डर, एसेंडिंग मीन्स स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, ठीक है, ये सही ऑप्शन है। राइट द गिवन न्यूमेरल्स इन वर्ड, है ना, यहाँ कुछ न्यूमेरल्स दिया गया है जिसका आपको, जिसको आपको वर्ड में लिखना है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको हम इस तरह से, किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट दिया हुआ है 1, 10, 100, 1000, 10,000, है ना, यहाँ दिया हुआ है 90,932 दिया हुआ है ना। तो देखिए 1, 10, 100, 1000, 10,000, है ना, मीन्स 90, क्या लिखेंगे यहाँ पर, NINTY 90, है ना, 90,000, 90,000, ठीक है। 9 कौन से कॉलम में है जी, 100 कॉलम में है, तो क्या लिखेंगे, 9, NINE 9, क्या लिखेंगे, 100, 100 का स्पेलिंग क्या होता है, HUNDRED 100, 32 क्या लिखना है, 32, THIRTY 32, TWO 2, इस तरह से। अगला है 76,001, इस तरह से कॉमा लगा लेना आप लोग, है ना, 1, 10, 100 के बाद कॉमा लगेगा, 76,180, है ना, 76,180 दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, 76 क्या लिखेंगे पहले, 76 ये थाउजेंड कॉलम में है, है ना, तो पहले लिखेंगे 70, SEVENTY 76, SIX 6, ये कौन से कॉलम में है, थाउजेंड, 76 थाउजेंड, थाउजेंड का स्पेलिंग TOUSAND थाउजेंड, 100 कौन सा है जी, 100 कॉलम में है, 1 क्या लिखेंगे, 100, 100 और क्या लिखेंगे,
8080, ठीक है, 180, EIGHT Y 80, ठीक है। तो इस तरह से इनका नंबर नेम्स को लिखना है, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, 45864, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चंस देखते हैं। अगला क्वेश्चंस है क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, फाइंड आउट द एस्टिमेटेड सम बाय राउंडिंग ऑफ द नियरेस्ट 1000 एंड आल्सो फाइंड एक्चुअल सम। यहाँ क्या करना है, जो नंबर्स दिए हुए हैं है ना, उसका नियरेस्ट हमको सबसे पहले नियरेस्ट 1000 फाइंड आउट करना है। नियरेस्ट 1000 फाइंड आउट करने के बाद हमको एक्चुअल सम और एस्टिमेटेड सम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो 4360 एक नंबर है और 5812, ठीक है। तो देखिए 4000 इस तरह से बनाइएगा, पहले एक नंबर और नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 1000 का एक कॉलम बना लेना, ठीक है। इस तरह से आप एक कॉलम बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर नंबर दिया है 4360, है ना, 4360, इसका नियरेस्ट 1000 क्या होगा, है ना। तो देखिए नियरेस्ट 1000 बोल रहा है, तो 1000 जब बोलेगा तो किस कॉलम को देखेंगे, हंड्रेड्स कॉलम को, ठीक है। देखिए हंड्रेड्स कॉलम में 3 है, मींस राउंड डाउन में जाएगा, तो 4360 किसके किसके बीच में आता है, 4000 और 5000 के बीच में आता है ना जी। तो ये 3 है इसलिए राउंड डाउन में जाएगा, मतलब 4000 इसका नियरेस्ट 1000 होगा। अगला है 5812 दिया है ना। तो देखिए यहाँ पर नियरेस्ट 1000 फाइंड आउट करना है, तो हंड्रेड्स कॉलम को देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले ये देखिए, ये जो 5812 है वो 5000 और 6000 के बीच में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर 8 है, देखिए हंड्रेड्स कॉलम में 8 है, मींस 8 है तो राउंड अप में जाएगा, राउंड अप में जाएगा तो हम किसे लेंगे, 6000 को, ठीक है। तो इसका आ जाएगा 6000, ठीक है। अब देखिए एस्टिमेटेड सम बोल रहा है, ठीक है, और एक्चुअल सम, ठीक है। तो एस्टिमेटेड सम क्या होगा और एक्चुअल सम, एक्चुअल सम क्या है कि जब हम इन दोनों को डायरेक्टली ऐड कर देंगे, ठीक है। जैसे कि देखिए 4360 प्लस 5812 ये दिया हुआ है, ये कहलाएगा आपका एक्चुअल सम, क्या कहलाएगा, एक्चुअल सम, ठीक है। इस तरह से जब हम सम करेंगे तो क्या कहलाएगा, जो आंसर आएगा वो एक्चुअल सम। चलिए प्लस करते हैं, 2 + 0 = 2, 6 + 1 = 7 और 8 + 3 = 11 का 1 कैरी आया, 4 1 5 5 10, है ना। तो कितना आया, 10172 आया, ये है आपका एक्चुअल सम, ठीक है। और एस्टिमेटेड सम क्या होता है, जो नियरेस्ट 1000 आया है उसको हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिएगा एस्टिमेटेड सम, यहाँ पर लिखेंगे एस्टिमेटेड सम इक्वल टू होगा, ये 4000 प्लस कर देंगे 6000, 4000 प्लस 6000, 0 का 0, 0 का 0, 0 + 0 = 0 ही आएगा, 6 + 4 = 10, है ना। तो देखिए यहाँ आया 10000, यहाँ 10172, ठीक है। तो इस तरह से एस्टिमेटेड सम फाइंड आउट करना है और एक्चुअल सम फाइंड आउट करना है, ठीक है। से एज इट इज ऐसा ये भी बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड आउट द एस्टिमेटेड प्रोडक्ट। क्या बोल रहा है, एस्टिमेटेड प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो देखिए एंड एक्चुअल प्रोडक्ट और एस्टिमेटेड प्रोडक्ट दोनों फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है 513 और 156, ठीक है। तो क्या करना है, सेम प्रोसीजर है, इसमें क्या करना है आप लोगों को, प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। उसमें क्या किए थे हम लोग, सम फाइंड आउट किए थे, ठीक है। तो नंबर्स को यहाँ पर लिख लीजिए और यहाँ पर उसका नियरेस्ट देखिए 110 है ना जी, मीन्स इसका नियरेस्ट क्या फाइंड आउट करना है,
हंड्रेड, नियरेस्ट हंड्रेड दिया है, नियरेस्ट हंड्रेड यहाँ लिख लेंगे, नियरेस्ट हंड्रेड। तो देखिए नंबर दिया है 513, 513 का नियरेस्ट हंड्रेड। तो 513 किसके किसके बीच में आता है, 500 और 600, 500 और 600 के बीच में आता है, ठीक है। तो 100 बोल रहा है इसलिए टेंस कॉलम को देखेंगे, टेंस कॉलम में देखिए वन है, वन है मीन्स राउंड डाउन में आएगा, राउंड डाउन में आएगा तो हम किसको लेंगे जी, 500 और 600 के बीच में आता है तो राउंड डाउन में आएगा मीन्स 500 को लेंगे, नियरेस्ट 100 होगा इसका 500। अगला है 156, 156 का नियरेस्ट 156 का नियरेस्ट 100 क्या होगा, तो इसका नियरेस्ट 100 होगा 200, ठीक है। अब एक्सटीमेटेड और एक्चुअल प्रोडक्ट ज्ञात करना है, ठीक है, सॉल्व करना है। तो देखिए यहां क्या करेंगे, यहां दिया हुआ है, यहां अब एस्टिमेटेड और एक्चुअल प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लीजिए एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड प्रोडक्ट है ना, एस्टिमेटेड प्रोडक्ट, एस्टिमेटेड प्रोडक्ट में हम जो नियरेस्ट 100 आया है ना, नियरेस्ट 100 513 का 500 आया है और मल्टीप्लाई क्या करेंगे, नियरेस्ट इसका कितना आया है 156 का नियरेस्ट आया है 200 है ना, तो इसका हम क्या फाइंड आउट करें, मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए 5 2 10, 5 2 10 होगा, यहाँ पर कितना जीरो है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, इसका आ गया 1 lakhs आ गया, ठीक है, इसका आंसर आ गया 1 lakhs, ये है आपका एस्टिमेटेड प्रोडक्ट। अगला है एक्चुअल प्रोडक्ट, एक्चुअल प्रोडक्ट क्या होगा, एक्चुअल प्रोडक्ट क्या होगा, देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 513 मल्टीप्लाई 156 है ना, इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्चुअल, आ जाएगा आपका एक्चुअल प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस तरह से फाइंड आउट करना है, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा एक एक करके, ठीक है, इसको मैं नहीं बता रहा हूँ, आगे का क्वेश्चंस मैं सॉल्व करना बता रहा हूँ, ठीक है, इसको आप खुद से कीजिएगा, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन सभी को आता है, ठीक है। अगला है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, साल व द फॉलोइंग, साल व द फॉलोइंग यहाँ पर दिया हुआ है 80,780 माइनस 59,726, ठीक है, यहाँ पर नीचे में दिया हुआ है, यहाँ 20,312 प्लस 5,40,809 है ना, यहाँ पर प्लस प्लस दिया हुआ है, यहाँ पर माइनस। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको कॉलम में अरेंज कर लीजिए आप, ए नंबर का साल कैसे साल करेंगे, देखिए 80,780 माइनस 59,000 है ना, 59,726 है ना, चलिए देखिए 0 माइनस 6 इक्वल टू नहीं होगा क्योंकि ऊपर का जो नंबर है वो लेस है और नीचे का ग्रेटर है, तो हमें रीग्रुप करना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ 8 की जगह कितना हो जाएगा 7, 10 माइनस 6 इक्वल टू हो जाएगा 4, और 7 माइनस 2 इक्वल टू हो गया 5, 7 माइनस 7 इक्वल टू 0, यहाँ पर 0 माइनस 9 इक्वल टू नहीं होगा, फिर से रिग्रुप करेंगे तो 10 माइनस 9 इक्वल टू हो जाएगा 1, 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 इक्वल टू होगा 2, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर, इसको क्या करना है, सीधा सीधा आप कॉलम में अरेंज कीजिएगा, ठीक है। बी नंबर का देखिए, बी नंबर का 20,312, 20,312 दैट इज वंस कॉलम, टेंस कॉलम, हंड्रेड्स कॉलम, थाउजेंड्स कॉलम एंड 10,000 कॉलम, ठीक है। थोड़ा दूर दूर बनाइएगा कॉलम को, ठीक है। जीरो आएगा वंस कॉलम में, फोर इज इन टेंस कॉलम एंड जीरो इज इन हंड्रेड्स कॉलम, फोर इज इन थाउजेंड्स कॉलम, फोर इज इन थाउजेंड्स कॉलम, नाइन इज हियर इन वंस कॉलम, जीरो इज इन
टेंस कॉलम एंड एट इज इन हंड्रेड्स कॉलम, ठीक है। यहाँ प्लस प्लस का साइन है तो यहाँ पर प्लस का साइन दे देंगे, ठीक है। अब सीधा सीधा क्या करना है, प्लस कर देना है। नाइन प्लस टू इक्वल टू इलेवन का वन, वन कैरी ओवर आया, ठीक है। वन वन टू प्लस फोर इक्वल टू सिक्स, एट प्लस थ्री इक्वल टू इलेवन, इलेवन का वन, वन कैरी आएगा ओवर आएगा। फोर प्लस वन इक्वल टू फाइव, टू का टू। तो इस तरह से सॉल्व करना है, दोनों क्वेश्चन इस तरह से बनेंगे, ठीक है। इसे भी आप एजीटी जैसे ही सॉल्व कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिवाइड 4035 बाई 24, 4035 को 24 से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो कोटिएंट आएगा और रिमाइंडर आएगा, ठीक है, उससे हमको डिवीजन को चेक भी करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए 24 क्या है जी, डिवाइड, ये 24 क्या है, डिविजर, ठीक है। 24 इज डिविजर, 4035 इज डिवाइडेंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, 24 से इसको डिवाइड करना है, ठीक है। यहाँ टू डिजिट है तो टू डिजिट ले लीजिए आप, है ना। 24 का टेबल पढ़ना है, 40 से अबव ना हो। 24 टू जा होता है 48, टू टाइम अगर टेबल पढ़ेंगे तो 48 आएगा, जो कि 40 से ग्रेटर है, ठीक है। तो टू टाइम नहीं लेंगे, वन टाइम करते हैं। 24 वन जा, 24 वन जा 24 आएगा यहाँ पर, ठीक है। माइनस करेंगे, 0 माइनस 4 इक्वल टू नहीं होगा, 10 माइनस 4 इक्वल टू 6, यहाँ पर आ जाएगा 3 बचेगा, 3 माइनस 1 इक्वल टू 1, है ना, 16 हो गया, ठीक है। अब 3 को ब्रिंग डाउन करेंगे तो 163 हो गया, ठीक है। अब 24 का फिर से टेबल पढ़ना है, जिससे 163 से अबव ना हो, ठीक है। तो चलिए 24 का हम टेबल पढ़ते जाते हैं, ठीक है। फोर टाइम, सपोज फोर टाइम किए, फोर फोर जा 16 का 6, वन कैरी आया, फोर टू जा 8 और वन 9, 96 हो रहा है, ठीक है। इसको सेवन टाइम करके देखिए आप, सेवन फोर जा 28, है ना, टू कैरी आया, सेवन टू जा 14, 14 प्लस टू, है ना, इक्वल टू होगा 16, 168, देखिए एबव हो रहा है ना, तो एबव हो जा रहा है, इसलिए इसको 6 टाइम करेंगे, कितना करेंगे 6 टाइम, ठीक है। 6 4 जा 24 का 4 आएगा और 6 2 जा 12, 12 प्लस 2 इक्वल टू कितना होगा जी, 12 प्लस 2 इक्वल टू 14 होगा, ठीक है। 3 माइनस 4 इक्वल टू नहीं होगा, 13 माइनस 4 इक्वल टू हो जाएगा 9,